entrepreneurs, yani ki businessmen, are always motivated by freedom. True? Entrepreneurs are motivated by freedom. Businessmen को आजादी बहुत पसंद है और जितनी ज्यादा उनको freedom मिले वो उतने ज्यादा excited होते हैं, उतने ज्यादा खुश होते हैं. True? कौन सी आजादी? कंपटीशन से मुक्ति. ओके. गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से मुक्ति. ओके. मेरा टेंशन कोई और ले ले. काम के लोड से मुक्ति, वर्क लोड से मुक्ति, और अपने समय पे अपनी मर्जी से हम कंट्रोल कर सके अपने समय को और अपनी मर्जी से हर समय कुछ कर सके. फ्रीडम ऑफ टाइम, राइट? सो हमारे वक्त पे किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई और प्रेशर नहीं होना चाहिए हमारे वक्त पे. हर समय वो मैं वो करूं जो मैं चाहता हूं, ना कि मजबूरी में मैं वो कर रहा हूं जो मैं नहीं चाहता. सो हाँ, मुझे फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए. और क्या चाहिए बिजनेसमैन को? और किस टाइप की आजादी? क्रेडिट से मुक्ति, रूटीन वर्क से मुक्ति. और हमने बिजनेस इसीलिए किया था ना, किसी के ऑर्डर नहीं लेने पड़े, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना पड़े, अपनी मर्जी से काम करेंगे, इसलिए बिजनेस स्टार्ट किया था. बिजनेस का मतलब ही होता है ना फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी. अपनी मर्जी से आप कभी भी कहीं भी जा सको और अपनी मर्जी से अपना पैसा स्पेंड कर सको तो आप बिजनेसमैन हो, वरना आप बिजनेसमैन नहीं हो. और हम में से जिसने भी एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब और बिजनेस में से हमने बिजनेस को इसलिए चुना क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए थी. हम अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते थे जिंदगी में. और फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया और आज हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं. जिस फ्रीडम के चक्कर में, जिस आजादी के चक्कर में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो क्या वो आजादी मिली? नहीं मिली. क्यों? कौन छीन रहा है हमारी वो आजादी? कहां गई वो आजादी? हमको तो यही पता था कि बिजनेस करना है ना अपने मर्जी के मालिक, सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हो आप. ये तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था जॉब और बिजनेस के बीच में. सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही ये था कि हमारे टाइम को कोई कंट्रोल नहीं करता, अपनी मर्जी से हम सब कुछ करेंगे, अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी को जिएंगे. ये बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीना. नहीं मिला. क्यों? अभी तक तो नहीं मिला. कितने साल हुए? कितने साल हुए? 10, 15, 20, 25, 30 साल. अभी तक नहीं मिला. कौन ले गया? कहां है वो हमारी आजादी? हमारी आजादी को छीन कौन रहा है? हम खुद. मिसमैनेजमेंट, शायद मिसमैनेजमेंट की वजह से हम जरूरत से ज्यादा फंसे हुए और वो आजादी जो हमें चाहिए थी, जिसके पीछे हम भाग रहे थे, अब तक हम पहुंचे नहीं है. हम खुद, शायद हमारा स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस हो सकता है. ओके. गई कहां वो आजादी? कौन ले गया? आज आप अपनी मर्जी से वो सारी चीजें नहीं कर पाते जो आप करना चाहते थे. अपनी शर्तों पे जिंदगी जीना चाहते थे, आप नहीं जी रहे हो. शायद आपकी इच्छा थी कि मैं हमेशा दिन के 12 घंटे में से 10 घंटे गोल्फ कोर्स पे रहूं, पर आप नहीं हो. कहां जा रहा है वो समय? कौन ले रहा है आपका ये समय? कॉम्पिटिटर, मार्केट प्रेशर्स. मार्केट प्रेशर्स. बिजनेस करने से पहले पता होता कि वो आजादी नहीं मिलने वाली, शायद हम नहीं करते. मार्केट प्रेशर्स हमारी आजादी को छीनता है. इंडस्ट्री के करंट स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री के करंट स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडस्ट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बन चुके हैं, 90 डेज का क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, राइट? सो इंडस्ट्री के बने हुए स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो कर रहे हो. आप अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर धंधा नहीं कर रहे हो, किसी और के बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो कर रहे हो. सो अल्टीमेटली तो जॉब में वही था ना कि रूल्स कोई और बनाता था और हम उसको फॉलो कर रहे थे. सो हम वही कर रहे हैं. आई रिमेम्बर नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच है टाइम मैनेजमेंट पे, जो उन्होंने बात शेयर की है. बोले कि आप दिन भर में कितना भी काम कर लो,
और आदमी बहुत कुछ जब कर लेता है एक दिन में तो खुश होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अक्सर हमें इस बात की खुशी नहीं होती कि हमने दिन में क्या किया, हमें इस बात का अफसोस होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम क्या नहीं कर पाए। आज के दिन में हम करना चाहते थे और हम नहीं कर पाए, वो चीज आपको खा जाती है शाम को। सो अक्सर जिंदगी में हमने क्या किया उससे ज्यादा हमें परेशान करता है कि आज हम क्या नहीं कर पाए। सो आज ऐसे बिजनेस में जब हम घर जाते हैं रोज तो मन में बहुत सारा अफसोस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन लेके जाते हैं। या सो फंडामेंटल चीज यही है कि बिजनेसमैन को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के लिए ही हमने बिजनेस किया था, अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, अपनी शर्तों पे जीना चाहते थे, अपने तरीके से काम करना चाहते थे, पता नहीं कब टेक्नोलॉजी ने, कब मार्केट ने, कब गवर्नमेंट ने, कब रूल्स एंड रेगुलेशंस ने, कब इंडस्ट्री के बनाए हुए नीति नियमों ने हमसे वो चीज करवा ली जो हम नहीं करना चाहते थे, और आज हम उतने लिबरेटेड नहीं है जितना हम हमेशा से चाहते थे। वो आजादी का टेस्ट तो हमें मिला ही नहीं।